A very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, जैसा कि हमने last class में अपना coordination compound chapter start किया, तो एक basic knowledge देखी थी coordination compound होते क्या हैं, ठीक है? तो वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है? So हम आज क्या पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था कि coordination compound में complex part होता है, उसमें एक metal होता है और एक ligand होता है. Ligand क्या करता है? अपने lone pair donate करता है metal atom को, ठीक है? तो अब हम कंप्लीट डिटेल्स किसकी पढ़ेंगे? लिगेंड की पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं, क्या होता है, कि चार्ज कैसा क्या कुछ होता है, ठीक है? सो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, कि आप क्लासिफाई कैसे करेंगे लिगेंड्स को. सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, कि भाई लिगेंड पे चार्ज कैसा है, ठीक है? तो चार्ज के बेसिस पे हम लिगेंड को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज, सेकेंड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है? तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड. नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी ऐसा डोनर एटम जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है? अब देखो नेगेटिव चार्ज लिगेंड में सब आपको पता है चार्ज नेगेटिव होना है, बट जब हम उसका नेम करेंगे तो याद रखिएगा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के केस में अगर नेम के लास्ट में ई आ रहा है तो उसको हम ओ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? सो नेमिंग में आपको रूल याद रखना है, नेमिंग करते टाइम अगर किसी लिगेंड के नाम में ई आ रहा है तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस विद ओ, ठीक है? जैसे आपका किसी नेम के पीछे आइड आता है, जैसे क्लोराइड आई टी ई, तो आई टी ई की जगह क्या हो जाएगा, आई डी ओ. हमने ई को रिप्लेस कर दिया ओ से रिप्लेस, ठीक है? ऐसे ही आइट अगर आपका आया आई टी ई तो क्या हो जाएगा, आयोटो. अगर एट होगा तो क्या हो जाएगा, एटो, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड का नामकरण करते टाइम आप क्या याद रखेंगे, कि ई को रिप्लेस करेंगे ओ से, ठीक है? सो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स. सो स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है? सभी पे आपको नजर आ रही कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है? नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इनके पास है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम. So, आपको पता है इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड बोलते हो, हाइड्रोक्साइड, ठीक है? बट जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम करेंगे इनका एज ए लिगेंड जब यूज करेंगे तो इसको हम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इस ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओ से. तो इसका नेम ई ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ, हाइड्रोक्साइड दो बोलेंगे आप, ठीक है? जैसे इसको आप क्या बोलते हो, फ्लोराइड बोलते हो, ठीक है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो नाम क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइड, ठीक है? ई को किससे रिप्लेस कर दोगे, ओ से. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो बन गया. ये क्या बन जाएगा, ब्रोमाइडो. ये क्या बन जाएगा, क्लोराइडो, ठीक है? हर एक में क्लोराइड होता है, ई को रिप्लेस कर दिया ओ से. ये दो बार लिख दिया ब्रोमाइडो, ठीक है? तो मैं यहां से रद्द कर देती हूं. ये क्या हो जाएगा, आयोडो. ठीक है, ये क्या है, ऑक्साइड. ओ टू टू माइनस क्या होता है, ऑक्साइड. लेकिन ई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ओ से. तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइडो. O2 2 माइनस क्या होता है आपका, पर ऑक्साइड. तो आई डी ई है वो क्या हो जाएगा, आई डी ओ. क्या बनेगा, ये पर ऑक्साइड. ये क्या है, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड. तो ये क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड. ठीक है भाई, सभी के नेम में ई को हमने रिप्लेस कर दिया ओ से. अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो भी आपके हैलोजन है इन चीजों के लिए, जो फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो या आयोडाइडो है, इनको हम मतलब आजकल इन्हीं के लिए बस नेमिंग में हम इसको फ्लोरो भी बोलते हैं. आप इसको फ्लोराइडो की जगह क्या लिख सकते हो, फ्लोरो.
इसको ब्रोमो, इसको क्लोरो और इसको आयोडो, ठीक है। सो ये नेम है जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पे डी आएगा, ठीक है, आयोडाइडो होता है, ठीक है, तो ये आयोडो बन जाएगा। सो इनमें फ्लोराइडो ना लिख के आप फ्लोरो भी लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादातर आजकल ये वाले नेम फॉलो करने लग गए हैं फॉर हैलोजन, बाकी सबका ये ठीक है, इनकी जगह पे अगर आप ये भी यूज करेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात होती है हमारी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं दूसरी चार्ज की, भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज हम पढ़ रहे थे, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन होगी वो कौन सी होगी, भाई ये नेगेटिव चार्ज था, अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। भाई ऐसा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करेगा लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब याद रखना पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के लिए लास्ट में जो आप सफिक्स यूज करते हो वो क्या यूज करोगे, नेम के पीछे एम यूज करोगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एनओ प्लस, इसका हम नेम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो ग्रुप है बट ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो लास्ट में क्या जाएगा, एम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। भाई NH2 हाइड्राजीन होता है बट मैंने इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो ये हाइड्राजोनियम बन गया, ठीक है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम, लास्ट में क्या लगा है, ईएम लगा है, ठीक है, हाइड्राजीनियम। इसका अगर एक और एग्जांपल देखो तो आप ले सकते हो NO2+, ठीक है, NO2+ आपका कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, प्लस चार्ज है, इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोनियम, ठीक है। भाई देखो आप बोलोगे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डोनेट करेगा, फॉर एग्जांपल भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक ही एटम पे तो होगा, दूसरा एटम फ्री है, जैसे ये हाइड्राजीन है भाई, इनके लोन पेयर प्रेजेंट थे, हाइड्राजीन ये था बट इसने अपने किसी और को डोनेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसका ये वाला नाइट्रोजन पे तो अभी भी लोन पेयर है, तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अभी भी इनके पास पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद इनके पास और जगह ऐसी जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो ये वहां से डोनेशन करेगा, ठीक है। तो ये बात हुई पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड की। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड कैटेगरी की, जो क्या आएंगे, न्यूट्रल लिगेंड, जिनके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले आप इनको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। अब ऐसे लिगेंड जैसे कि बताया मैंने, न्यूट्रल लिगेंड जिनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेम की बात कर तो जैसा इनका नाम बोला जाता है वैसा ही नेम इनका करेंगे, जैसे NH2 क्या है, हाइड्राजीन है, तो अगर ये लिगेंड की तरह काम कर रहा हूं इसका हम नेम क्या करेंगे, हाइड्राजीन ही लिखेंगे। O2 को हम क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन, तो इसका नाम हम लिखेंगे ऑक्सीजन नहीं, हम डाई ऑक्सीजन लिखेंगे, ये नंबर भी काउंट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, डाई नाइट्रोजन। H2O को हम वोटर नहीं लिखेंगे बट क्या लिखेंगे, FY, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात भी याद रखना आपको, जो NH3 क्या है आपका, आप बोलते अमोनिया है बट इसके पास लोन पे डोनेट कर सकता है तो ये क्या लिगेंड है, बट इसका नेम हम क्या लिखते हैं, अमाइन, A, याद रखना, MMINE, AMINE नहीं करना है आपको, क्या करना है, AMMINE, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनो ग्रुप, भाई एनो के ऊपर प्लस चार्ज था तो नाइट्रोसोनियम आयन हो गया था बट अब ये क्या है, नाइट्रोसिल, एनो को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, और ये क्या है, बेंजीन में एक कार्बन को रिप्लेस कर दे नाइट्रोजन से, ये लोन पे ये होता है आपका पिरिडीन,
ठीक है। पिरिडीन को शॉर्ट में पीवाई भी लिखते हैं एज ए लिगेंड का नाम, ठीक है, काफी बुक्स में आपको मिलेगा। सो आपको ये इनकी जो नेमिंग है मैंने आपको बता दी है, ये आपको याद होना चाहिए किसको हम क्या बोलते हैं, ज्यादातर यही लिगेंड्स यूज होंगे, ठीक है। तो आप इनको कॉपी कर सकते हो, फिर हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, लेकिन यहां पर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज कर रहे थे, नेक्स्ट में हम कुछ और करेंगे, ठीक है, कि देखते हैं क्राइटेरिया क्या लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हम क्राइटेरिया ले रहे हैं डेंटिसिटी, ठीक है। बट डेंसिटी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद मेटल, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, याद रखना मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करी, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी के बेसिस पे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। तो पहला आता है मोनोडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटिसिटी, किसको बोलेंगे कि भाई मोनोडेंटिसिटी में क्या होता है कि लीगेंड जो है क्या डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि भाई ऐसा लीगेंड जो क्या बनाए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए मेटल आइटम के साथ में, ठीक है। तो पहला आएगा मोनोडेंटेट लीगेंड, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लीगेंड क्या बोलेंगे, लीगेंड विच है ओनली वन डोनर साइट, ठीक है, लिगेंड विच है ओनली, भाई एक डोनर साइट होगी तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, विच है ओनली वन डोनर साइट, इट मींस वो क्या बनाएगा, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस टाइप के लीगेंड आपके क्या होते हैं, आपके मोनोडेंटेड लीगेंड। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहो भाई NH3, अब इसमें देखो पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड भी आ सकते हैं, नेगेटिवली भी और न्यूट्रल भी, बट क्या बनाना चाहिए, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई NH3 है, NH3 के ऊपर लोन पेयर एक है तो कितने बॉन्ड बनेगा, एक। तो एक ऐसा लीगेंड है मोनोडेंटेड, जितने OH नेगेटिव, ठीक है, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। आपका F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सब की सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। आपका साइनाइड ले लो, Cn माइनस ले लो, ये भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। NO प्लस जो पढ़ा था नाइट्रोसोनियम, वो भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मींस जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड भी एक ऐसा लिगेंड जो क्या बनाएगा, इट फॉर्म, यहां पे क्या हो जाएगा, इट फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो क्या बनाए मेटल के साथ, एक साथ ऐसा लिगेंड जो एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो क्या होगा, आपका बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो आपके लिए, आपको इसके लिए कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, तो जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो आपका ईन, शॉर्ट में हम लिखते हैं, वैसे इसका फुल नेम क्या है, इथाइलीन डाइअमीन। भाई यहां पे हम अमाइन नहीं करेंगे, अमीन करेंगे, देखो इथाइलीन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH2 NH2 एंड NH2, अमीन ग्रुप है, यहां पे AMIN नहीं करेंगे, AMMIN सिर्फ अमोनिया के केस में था। अब भाई देखो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कॉमन नेम मैंने आपको बताया है,
ये यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये यहां से भी। तो मेटल के साथ एक टाइम पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? लिगेंड तो एक है बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं आपके दो। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से मेंशन कर देती हूं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पूरा इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नाम ना लिख के शॉर्ट में इसको ई एन फॉर्मूला है ये। इथाइलिन डाई अमीन की जगह हम शॉर्ट में ई एन बी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आप आयुपैक नेम भी लिख सकते हो, काफी बुक्स में आयुपैक नेम भी लिखा होता है, ठीक है। अब जो आपका होमवर्क क्या है, आयुपैक नेम क्या होगा भाई? आप जो 1 2 पोजिशन देखकर करते हैं ना, वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ले एग्जाम्पल इसका, तो ऑक्सलेटो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो को शॉर्ट में ओ एक्स टू माइनस लिखते हैं, ठीक है। भाई टू माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सलेट ग्रुप क्या होता है आपका? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, ठीक है। ये आपका ऑक्सलेटो ग्रुप है। यहां से ये मेटल एटम को डोनेट कर सकता है और यहां से ये, तो कितनी डोनर साइट हो गई आपकी? दो डोनर साइट होगी। तो ये आपका बन गया बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देते हैं ग्लाइसिनेटो, जीएल वाई, ग्लाइसिनेटो को हम शॉर्ट में लिखते हैं GLY, या कहीं पर लिखा हो तो आप समझ जाना वो ग्लाइसिनेटो है। और आपको इनके चार्ज वगैरह भी पता होने चाहिए। ग्लाइसिनेटो क्या होता है? CH2, C डबल बॉन्ड O, यहां पर O नेगेटिव और यहां पे आपका NH2, ठीक है। तो देखो मेटल को ये NH2 अपना लोन पेयर दे सकता है यहां से O, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्लाइसिनेटो। अगर मैं इस पे ओवरऑल चार्ज पूछूं तो कितना है भाई? चार्ज कितना है? -1। ऑक्सलेटो पे कितना था? -2। इथाइलिन डायमीन पे कैसा चार्ज था? 0, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, चार्ज भी आप सबको होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको पहले कॉपी करो, फिर हम आगे देखते हैं। बच्चों आगे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो भी बाइडेंटेट के ही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एकैट भी बोलते हैं शॉर्ट में। और नाम क्या है? एसिटाइल एसिनेटो, ठीक है। इनमें अगर डोनर साइट देखें तो डोनर साइट आपकी कौन सी होगी? एक यहां से डोनेट कर सकता है और एक यहां से डोनेट कर सकता है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और अगर मैं इस पे ओवरऑल चार्ज की बात करूं तो सिर्फ क्या है? एक -1 चार्ज है। नेक्स्ट है डीएमजी। डीएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, ठीक है। ये इस लिगेंड का स्ट्रक्चर में डाइमिथाइल है और फिर ग्लाइसिनेटो, ठीक है। यहाँ पे एक मेटल को ये डोनेट करेगा और एक मेटल को ये डोनेट करेगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और इसमें ओवरऑल चार्ज क्या है? -1। बेटा आपको चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्यों? क्योंकि नेमिंग में हम फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको लिगेंड्स के चार्ज मालूम होने चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितना चार्ज कैरी करता है। तो वो सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो रही होगी। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे बाइडेंटेड लिगेंड। अब बात करते हैं ट्राइडेंटेड, ठीक है। जो तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए ट्राइडेंटेट क्या बनाएगा? थ्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एटम जो फॉर्म करेगा। इसके लिए एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? इथाइलिन, ट्राइअमीन, ठीक है। जैसे आपका इथाइलिन डायमीन था, ऐसे इथाइलिन ट्राइअमीन है, CH2 CH2। यहां पे क्या होगा? NH CH2 CH2 NH2,
और इधर भी NH2। तो ये नाइट्रोजन के क्या है, लोन पेयर है, ट्राइअमीन है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये भी। तो ये मेटल एटम को एक साथ तीन जगह से डोनेशन कर सकता है। तो ये क्या होगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड। और अगर चार्ज की बात करो तो इस पर भी चार्ज क्या है, जीरो। ठीक है, फिर ऐसे टेट्रापेंटा चलते रहते, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर इसके बाद हमारा एग्जाम्पल आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड मींस जो एक साथ क्या बनाए, सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब वो कैसे बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा EDTA, EDTA। भाई EDTA की फुल फॉर्म क्या होगी, इथाइलीन डायअमीन टेट्राएसिटेट, इथाइलीन डायअमीन। याद रखना ये इस ईयर भी बोर्ड एग्जाम में आया था कि बताओ हेक्साडेंटेट लिगेंड का आप एक एग्जाम्पल बताओ। तो हेक्साडेंटेट का क्या है, इथाइलीन डायअमीन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, एसिटेट आयन। अब देखो इसके डायग्राम की बात करें तो देखो इथाइलीन डायअमीन है। इथाइलीन का मतलब क्या होता है भाई आपका, CH2। ठीक है, CH2। और फिर क्या है आपके, दो अमीन ग्रुप है, मतलब NH2 होने चाहिए थे। ऐसे कर दूं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये N, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो इधर यहां तक हमारा क्या बन गया, इथाइलिन डायमीन बन गया। लेकिन लास्ट में क्या है, टेट्रा एसिटेट ग्रुप है। एसिटेट ग्रुप क्या होता है, COO नेगेटिव। और ये कब आएगा, जब हम इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें इस ग्रुप से। सो आप क्या लिखोगे यहां पे, COO नेगेटिव, सिमिलरली COO नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आप इसको रिप्लेस करेंगे, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो देखो भाई इन नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर था। तो एक डोनेशन यहां से होगी, एक डोनेशन यहां से होगी, एक डोनेशन यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। ठीक है, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, सिक्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये एक साथ डोनेशन करता है। ये मत समझना ये वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सो EDTA पे ओवरऑल चार्ज कितना है, कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 4 नेगेटिव। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 6। तो ये दोनों ही बातें क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड जो EDTA हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आता है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, लिगेंड की क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी नेक्स्ट की फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। अब देखो कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, मोनोडेंटिसिटी शो करते हैं, मींस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बट जब जरूरत हो तो क्या कर सकते हैं, बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, कि भी वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, किसको लेकर, डेंटिसिटी को लेकर, मींस उनकी मर्जी है, वो एक टाइम में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं दो, बट जनरल क्या शो करते हैं, मोनोडेंटेड। तो आप क्या लिखोगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, लिगेंड विच हैव, लिगेंड विच हैव टेंडेंसी टू शो मोनोडेंटिसिटी। ठीक है भाई, जो टेंडेंसी क्या रखेंगे, मोनोडेंटिसिटी की रखेंगे, बट इन सम केसेस इट बिहेव एज बाइडेंटेट। सो ऐसे लिगेंड क्या होंगे आपके, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड,
एग्जाम्पल अगर आप इसके लिए देना चाहो तो आप क्या दे सकते हो, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, ठीक है। जो कार्बोनेट आयन है जनरली क्या शो करता है, मोनोडेंटेट, भाई स्ट्रक्चर क्या है, ये है एक टाइम में ये मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बट जरूरत पड़ने पे ये मेटल को क्या कर सकता, कभी मेटल के पास ज्यादा कमी है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बोनेट किसका एग्जाम्पल हुआ, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, CH3COO नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, मेटल एटम कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सो मोनोडेंटेट, बट जरूरत पड़ने पे इसके लोन पे भी मेटल को क्या कर सकते हैं, डोनेशन शो कर सकते हैं, तो बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। तो कार्बोनेट आयन और जो एसिटेट पढ़ा, ये किसके एग्जांपल हुए आपके, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के, ठीक है। सो आप पहले इसको कॉपी करो, नेक्स्ट फिर हम दूसरे टाइप के लिगेंड्स भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम्बाइडेंटेट लीगेंड, ये उस टाइप के लीगेंड हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हैं, ठीक है, दो डोनर साइट, एक से ज्यादा दो हो सकती है, ठीक है, बट एक टाइम में एक ही साइट डोनेट कर सके, ऐसे टाइप के लीगेंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बाइडेंटेट लीगेंड। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, लीगेंड विच हैव, लीगेंड which have more than one donor site, more than one donor site, but at a time, एक समय पर only क्या होगा, सिर्फ एक ही आपका क्या बनेगा, coordinate bond बनेगा, एक ही site को बनाएगी, but at a time only one site कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, ठीक है भाई, साइनाइड में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट क्या तो ये एक टाइम पे नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, या फिर एक टाइम पे क्या होगा भाई आपका कार्बन डोनेट करेगा, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें कार्बन डोनर है, तो साइनाइड किसका एग्जांपल हो गया आपका, एम्बाइडेंटेट लिगेंड। जब नाइट्रोजन डोनर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, ठीक है। अब ई है तो ये ओ से रिप्लेस हो जाएगा नेम करते टाइम में, ये चीजें तो आपको पता होगी, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइनाइडो, ये क्या है, आइसोसाइनाइडो, जब N आगे आ जाए तो क्या हो जाएगा, आइसो साइनाइड। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया, भी दो साइट थी बट एट ए टाइम एक ही साइट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप सपोज कर लो भाई NO2, ठीक है, NO2 माइनस, ये क्या है, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, भी क्या तो ये ऑक्सीजन डोनेट करे या फिर क्या डोनेट करे, ये ऐसे हो, सॉरी NO2 में यहां पे अगर डोनेशन हो रही है ऑक्सीजन से हो रही है तो ये कैसे होगा आपका ONO, मैं दोबारा लिखती हूं भाई, NO2 माइनस हमने पढ़ा, क्या तो डोनर साइट कहां से होगी भाई, ऐसे हो, ये चीज ऐसे प्रेजेंट थी बट नाइट्रोजन क्या बना रही है, मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रही है, या फिर ये कैसे हो, ये ओ एन ओ हो, मींस ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये ओ नेगेटिव, यहां पे कौन साइट डोनेट कर रही है आपका ऑक्सीजन। तो देखो जब नाइट्रोजन डोनर हो तो उसको हम लिखते हैं एनओ टू, और जब ऑक्सीजन डोनर हो तो उसको हम लिखते हैं ओ एनओ, ठीक है। सो साइट तो डिफरेंट थी बट एट ए टाइम एक ही साइट डोनेट कर सकती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, ये नाइट्रेट है, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आगे नेम भी देते एन नाइट्राइडो, नाइट्राइड है एन नाइट्राइडो बनेगा, ई रिप्लेस हो गया ओ से, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन
नाइट्राइडो, ठीक है, एसिड्स, ठीक है, दो एग्जांपल हमने देखे। तो एक क्लासिफिकेशन जो है यहां से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए वन मार्क में पूछ लिया जाता है लिगेंड्स के बेसिस पे, आपसे पूछ लेंगे भी डेंटिसिटी क्या होती है, या फिर हेक्साडेंटेट या बाइडेंटेट का आप एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है, या फिर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं या एम्पाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी भी हमारी लिगेंड की क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ और बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।